हेलो दोस्तों, प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि गर्भावस्था की पहली तिमाही, शुरुआत के 1 से लेके 12 हफ्ते तक का जो समय रहता है वो गर्भावस्था की फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आता है। तो आज हम बात करेंगे कि इस दौरान जो पहला ट्राइमेस्टर है आपका, उस दौरान आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, आपके बेबी की बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। गर्भावस्था के पहले कुछ हफ्ते बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसी दौरान जो आपका बच्चा है उसका विकास शुरू होना होता है। ज़्यादातर जितनी भी बॉडी की डेवलपमेंट है वो इन्हीं 12 हफ्तों में होती है, तो इसीलिए पहला ट्राइमेस्टर बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रेगनेंसी का फर्स्ट मंथ शुरू होता है आपके लास्ट पीरियड्स की फर्स्ट डेट से, यानी कि जब आपको पता चलते हैं दैट यू आर प्रेग्नेंट, तो उस टाइम पे आप ऑलरेडी 5 से 6 हफ्ते प्रेग्नेंट होते हैं। अक्सर महिलाएं गर्भावस्था की पहली तिमाही को बहुत लाइटली लेती हैं, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है क्योंकि जितने भी बेबी का जो डेवलपमेंट है वो इन्हीं शुरुआती 12 हफ्तों में होती है। और ना सिर्फ बेबी की बल्कि आपके शारीरिक और हार्मोनल्स आपकी बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो बहुत जरूरी है कि इस टाइम पे आप अपना खास ध्यान रखें क्योंकि इस टाइम पे अबॉर्शन के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप अपना अच्छे से ध्यान रखें। गर्भावस्था के पहले महीने में जो फर्टिलाइज्ड एग है वो बहुत सारे सेल्स की परतों में डिवाइड हो जाता है और एक बॉल की तरह बन जाता है, और जो आपका वोम है यानी कि जो आपका यूट्रस है वहां पे वो इम्प्लांट हो जाता है और वहीं से वो ग्रो होना शुरू होता है। इस ट्राइमेस्टर में आपका बेबी बहुत तेजी से ग्रो करता है। 6 हफ्ते की प्रेगनेंसी में आप बेबी की हार्ट बीट सुन सकते हो, और जब बच्चा 12 हफ्ते का होता है तो उसकी बॉडी के सभी ऑर्गन्स, जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे डेवलप होना शुरू हो चुके होते हैं। यहाँ तक कि बेबी स्वेलोइंग करना भी शुरू कर देता है, यानी कि जो उसके इर्द गिर्द एमनियोटिक फ्लूड होता है उसको भी स्वेलो करना शुरू कर देता है। इसके अलावा बेबी की मूवमेंट्स भी शुरू हो जाती हैं, बट क्योंकि उसका साइज अभी बहुत ज्यादा छोटा है इसलिए आपको 12th वीक तक वो फील नहीं हो सकती, बट इस टाइम तक आपका बेबी जो है वो बहुत अच्छे से मूवमेंट भी करता है। अगर हम आपकी बॉडी की बात करें तो ना सिर्फ फिजिकल चेंज होते हैं बल्कि मेंटली भी रोलर कोस्टर एक्सपीरियंस रहता है। मॉर्निंग सिकनेस, क्रैम्प, बैकएक, इनडाइजेशन, ये सब प्रेगनेंसी के पहले ट्राइमेस्टर में बहुत ज्यादा कॉमन है। जितनी फिजिकल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है उतनी ही इस टाइम पे आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस दौरान आपको स्ट्रेस होना, थोड़ा चिड़चिड़ापन होना, ये सब बहुत आम है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप स्ट्रेस ना लें क्योंकि उसका असर आपके बच्चे पर भी पड़ता है, तो जितना हो सके उतना खुश रहने की कोशिश कीजिए। इस दौरान बेहतर है कि आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने हस्बैंड के साथ स्पेशल बॉन्ड आप शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे तो आपका बेबी भी हेल्दी रहेगा। अगर आपको ज्यादा स्ट्रेस हो रहा हो तो प्लीज अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, या फिर अगर आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज करेंगे या योगा करेंगे, अगर आप सुबह शाम वॉक भी करते हैं तब भी ना सिर्फ आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा बल्कि आप काफी ज्यादा एक्टिव भी फील करेंगे। ये थे दोस्तों फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अपडेट्स। मैं बहुत डिटेल में बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो वीकली वीडियोस है वो अपडेट करी है, तो प्लीज आप उनको अपने वीक के हिसाब से जरूर चेक करिए। साथ ही में आप इस आई बटन पे अगर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान किन चीजों का ध्यान रखना है जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल स्मूथ जाए। तो प्लीज आप इस वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी हेल्प मिली होगी। अगर आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई इश्यू है तो आप मुझे नीचे कमेंट पे लिख के बता सकते हैं या फिर इस ईमेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको इससे हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और प्लीज अपने हस्बैंड को जरूर दिखाएं ताकि वो भी आपके साथ पेरेंटहुड इक्वली फील कर सके। सो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो थैंक यू।